नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। दो दिन पहले रामपुर में प्रशासन ने सपा सरकार में बनवाया गया उर्दू गेट ध्वस्त कर दिया था, जिसको लेकर आज सपा नेता आजम खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आजम ने डीएम पर हमलावर होते हुए कहा कि ये कलेक्टर तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, यहां तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोग रामपुर में दंगा कराना चाहते हैं। उन्होंने जल्द ही डीएम और एसपी को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। बनी हुई चीजों को अगर बर्बाद करना है, गांधी समाधि की भी एनओसी नहीं है, अगर हिम्मत है जिलाधिकारी में तो आज मैं चुनौती दे रहा हूं, गिराओ गांधी समाधि। ये क्या बात हुई, उर्दू गेट गिरा दिया, गांधी समाधि गिराओ, उसकी भी एनओसी नहीं है। मेरी बेपनाह मेहनतों का नतीजा है गांधी समाधि आज इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है, उसे बनाते हुए मुझे 25 बरस हो गए। गिराएं जो दोनों द्वार बने हुए हैं उसके करीब करीब, रामपुर की सड़कों की भी एनओसी नहीं है, जो सैकड़ों करोड़ के नाले बने हैं आरसीसी के उसकी भी एनओसी नहीं है, तारामंडल की एनओसी नहीं है, नगर पालिका के बनाए जाने की एनओसी नहीं है, क्या क्या गिराएंगे, पार्कों की एनओसी नहीं। जब सरकारी धन कहीं लगता है तो यह माना जाता है कि यह सरकार की मंशा है और हर एनओसी छोटी पड़ जाती है उसका लिए। कैबिनेट के डिसीजन के तहत हुआ ये सारा काम, सारा पैसा रिलीज हुआ सरकार के खजाने से। हमसे नफरत की यह इंतहा, अस्पताल की भी एनओसी नहीं है, उसे भी गिराओ आप। जिलाधिकारी महोदय, अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर साहब हुआ करते थे, आप कलेक्टर साहब हैं, आप तानाशाह नहीं हैं, आप जनता के लिए हैं, आप तानाशाही का रास्ता छोड़िए। आपको जो मिशन देकर भेजा गया है ये आपका अपवित्र मिशन है, आपका कहीं ना कहीं जमीर आपको मलामत कर रहा होगा कि जो दो की जोड़ी आई है यहां, डीएम साहब एडीएम साहब, आपकी जो जोड़ी है, हम इसके बारे में भी जनता को अवगत कराते हैं।